आपने एक चीज नोटिस की कि हम सभी कितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इंस्टाग्राम पे, मतलब पूरा दिन से हम इंस्टाग्राम पे रहते हैं, कितना ज्यादा रील्स को स्क्रॉल डाउन करने में घंटे घंटे बीत जाते हैं, वीडियोस देखने में, मतलब कितना ज्यादा हम एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम पे, राइट। लेकिन उसी इंस्टाग्राम का यूज करके बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो कैसा रहेगा आपके लिए अगर आपको भी वो तरीके पता चले जिनके थ्रू आप भी महीने का अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सको इंस्टाग्राम के थ्रू। सो हाय गाइस, आई एम याशिक एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। गाइस, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 वेज थ्रू विच यू कैन जनरेट मनी ऑन इंस्टाग्राम। 5 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप इंस्टाग्राम के थ्रू अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी है बिना स्किप करे। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूल। सो फर्स्ट तरीका है डूइंग स्पॉन्सर पोस्ट फॉर ब्रांड्स। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब तक सारी चीज़ें डिजिटली नहीं हुई थी, हम जब डिजिटल मीडिया का यूज़ नहीं करते थे, डिजिटल मार्केटिंग का, सोशल मीडिया का, उससे पहले भी तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती थी। कैसे करती थी? न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, टीवी एड्स के थ्रू, टेलीविजन्स पे जो ऐड होते हैं, रेडियो के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, बिलबोर्ड्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, इन सभी तरीकों से वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती थी, एडवर्टाइज करती थी, तभी तो सेल होती थी, तभी तो लोग परचेज करते थे। बट जिन लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना सोशल मीडिया पे स्पेंड करना स्टार्ट किया है, सोशल मीडिया पे देना स्टार्ट किया है, तब से सारी ब्रांड, सारी कंपनीज डिजिटली कन्वर्ट हो चुकी हैं, राइट। सो वो क्या करती हैं, वो एग्जैक्टली होती हैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर। आपने सुना होगा इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? वो होते हैं जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होती है, जिनकी पोस्ट पे अच्छा खासा एंगेजमेंट होता है, वो इन्फ्लुएंसर होते हैं। तो वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को देखते हैं कंपनीज जो होती हैं, ब्रांड्स जो होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट को, अपने पोस्ट को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट करते हैं, वो अच्छा खासा चार्ज करती हैं। इट सिंपली मीन्स कि सपोज दैट आपके पेज पे अच्छे खासे फैन फॉलोअर्स होने चाहिए, आपकी पोस्ट पे अच्छा खासा एंगेजमेंट होना चाहिए, लाइक शेयर कमेंट्स होने चाहिए, देन आपको ब्रांड्स कंपनीज आपको प्रमोट करेंगी, वो आपको अपनी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की पोस्ट देंगे एंड उसके बदले आप उनसे अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एक पोस्ट लगाने के सिर्फ। दिस इज स्पॉन्सर पोस्ट, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। इसके लिए आपको अपने फॉलोअर्स पे फोकस करना होगा, आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना होगा, इंस्टाग्राम पे आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, भी कंपनी आपको अप्रोच करेंगी, वो आपसे अपनी ब्रांड्स को प्रमोट कराएंगी, राइट। सेकेंड वे, द मोस्ट पॉपुलर वे, जिसमें आपके अगर 100, 200, 500, 1000 फॉलोअर्स हैं तो भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इस तरीके से, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग, बिकम एन एफिलिएट। आप एफिलिएट बनकर अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? यार देखो, आपकी खुद की कोई कंपनी नहीं है, आपके खुद के कोई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नहीं है, लेकिन एफिलिएट बनकर आप किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम पेज के थ्रू, एंड थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन जो भी आपके थ्रू उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, उसके बदले कंपनी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगी, एक अच्छा खासा कमीशन देगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। बहुत सारी कंपनी बहुत अच्छा खासा कमीशन देती है, लाइक कंपनीज भी है, लाइक IDP, आई डिजिटल प्रन्योर, जो एक पर पर्सन आपको 70% का प्रॉफिट देती है, कमीशन देती है एज एन एफिलिएट अगर आप वर्क करते हो। तो आप 3000 का कोई प्रोडक्ट है और आपसे, आपने किसी को रेफर किया अपने इंस्टाग्राम पेज से, तो आपको उसके बदले 2000 रुपीज एज अ प्रॉफिट जनरेट होगा, एज अ कमीशन जनरेट होगा। सो दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग। इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, इसी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू लोग महीने के लाखों रुपये कमा रहे हैं। सो इस तरीके से एफिलिएट बनकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट, अच्छा खासा कमीशन जनरेट कर सकते हैं। थर्ड तरीका इज सेलिंग एंड क्रिएटिंग एंड सेलिंग अ डिजिटल एंड फिजिकल प्रोडक्ट। आप अपना खुद का कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके उसको सेल आउट कर सकते हैं, लाइक अपनी ई बुक्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने कोर्सेज डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने वेबिनार्स डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबिनार्स कर सकते हैं, एंड आप उनको सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। फोर्थ तरीका इज IGTV एड्स। IGTV एड्स में क्या होता है, ये जो फीचर है ये 2021 में ही आया था, मार्च 2021 में। आपने एक चीज़ देखी होगी, यूट्यूब से लोग अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो वीडियोस क्रिएट करते हैं। हर प्लेटफॉर्म की ना एक एल्गोरिदम होती है, लाइक यूट्यूब की भी है अपनी, कि जब आपके चैनल पे 4000 वॉच आवर्स एंड 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, देन मोनेटाइजेशन अनेबल होता है। इट सिंपली मीन्स कि लोग आपकी व्यूज पे ऐड लगने स्टार्ट होते हैं, राइट। इन द सेम वे इंस्टाग्राम पे भी IGTV वीडियोज़ होती हैं, लॉन्ग वीडियोज़ जो 15 मिनट्स से अबव होती हैं, उन वीडियोज़ को आप डाल सकते हो। आपकी वीडियोज़ पे जितना ज़्यादा एंगेजमेंट होगा, जितना ज़्यादा व्यूज़ होंगे, तो IGTV वीडियोज़ पे आपके जब ऐड मोनेटाइजेशन अनेबल होगा, एड्स के थ्रू आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, राइट। इन द लास्ट इज फोटोज एंड वीडियोज़। लाइक सपोज आपको फोटोग्राफी का शौक है, आपको फोटोज़
खींचने का बहुत शौक है, लाइक नेचर का या कोई भी फोटोज, राइट? तो आप उनको अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल के लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दैट दिस इज फॉर सेल, इस तरीके से कुछ भी, एंड आप उनको सेल आउट कर सकते हैं अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है। बहुत अच्छे अच्छे फोटो क्लिप्स करते हैं नेचर के एंड अदर्स, राइट? सो इस तरीके से फोटोज वीडियोज क्रिएट करके आप उन्हें सेल कर सकते हैं, उनका लाइसेंस सेल कर सकते हैं। सो दीज आर द फाइव वेज थ्रू विच यू कैन अर्न मनी थ्रू इंस्टाग्राम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गाइज, सोशल मीडिया पे ग्रो होने के लिए, पैसे कमाने के लिए कंटेंट इज किंग, कंटेंट मैटर्स अ लॉट, कंटेंट को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका कंटेंट ही आप सेल कर रहे हो, फिर वो वीडियो फॉर्म में हो, फिर वो फोटोज फॉर्म में हो, फिर वो पोस्ट फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, राइट? सो सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए इफ़ यू वांट टू नो हाउ एग्जैक्टली आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे किससे किससे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, सो यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड कोई भी डाउट हो वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट जरूर।